औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। ये जी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं मोहम्मद अफजल कराची से, और माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिएगा लाजमी। उन्होंने बहुत प्यारा एक शो किया हुआ है कराची में छत पे, तो उन्होंने एक छोटा सा शेड बनाया है अपनी बकरियों के, जो उनके पास बच्चे आते हैं उनके लिए स्पेशली, तो उनको ये पैलेट्स हमने भिजवाए थे रावलपिंडी इस्लामाबाद से। तो चले जी आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं, उन्होंने किस तरह इसको तैयार किया है, क्या इसका साइज़ है, तो उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इनके पास ज़ीरो साइज़ टेढ़े भी हैं और नॉर्मल साइज़ के टेढ़े भी हैं और मिड रेंज में बकरियाँ भी हैं, तो इन्हीं की ज़बानी सुनते जी कि इनकी क्या व्यू है इसके बारे में, या इन्होंने कैसे बनाया है, क्या साइज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जान, ये आपने पैलेट्स भिजवाए थे मॉडर्न लाइफ स्टॉक की तरफ से, रावलपिंडी से मैंने मंगवाए थे, तो ये मैंने एक छोटा सा बच्चों के लिए बनवाया है, जिसमें मैंने ये पैलेट्स और ये फ्रेम बनाई है। 1 फुट की हाइट पे है और इसके नीचे जो है पट्टियों से सेटिंग की है, जिसके ऊपर ये फ्रेम रुके हुए हैं। इस तरह के ये दो पार्टीशन बनाए हैं, एक तरफ दो अलग अलग। अच्छा जी, ये हमने एक पट्टी लगाई है जो तकरीबन आधे इंची की पट्टी है और तकरीबन 1 सूत मोटी है। उसके नीचे ये सपोर्ट के लिए हमने वो लगाया है, क्योंकि ये 4 फिट का कुछ गैप है। 4x14 का टोटल ये फ्रेम बनाए हैं, जिसके अंदर ये हमने पैलेट्स लगाए हैं। इसमें बकरी भी आराम से वो हो सकती है, चल सकती है, फिर सकती है। और हमने जो बनाया ये बच्चों के लिए बनाया, कि बच्चों को ये पेशाब पखाने के लिए वो सेफ़ रहें और उनका पेशाब पखाना गीला ना हो और वो जगह गीली ना हो, ताकि वो आराम से घूम फिर सकें। मोहम्मद अफजल भाई, अल्लाह पाक आपके माल में, आपकी जान में और आपके कारोबार में बरकत अता करें, आपके माल को अल्लाह पाक नज़रबाज से बचाए। माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप बनाया आपने। और चले जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।